समझ में नहीं आ रहा है। What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from TradingFab.in. आज 18 नवंबर 2019 मंडे है, सुबह के 8:16 हो रहा है। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक हमने देखा एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। लास्ट 2 वीक से हमें अपसाइड टू साइडवेज पैटर्न और डाउनसाइड टू साइडवेज पैटर्न ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है लास्ट 2 वीक से। तो ओवरऑल एक रेंज ट्रेडिंग का क्रिएट हुआ है लास्ट 2 वीक से। तो ये ब्रेकआउट और अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें यहाँ से एक वन डायरेक्शनल ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। काफ़ी पॉज ले रहा है निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर अभी। और ओवरऑल स्टॉक मार्केट में अगर देखें तो ये ओवरऑल फ्लो नहीं दिख रहा है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स का अगर चार्ट देखें, ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है, यहाँ पर क्लियरली अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि ये जो वीकली चार्ट हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये जो मूविंग एवरेजेस है इसके नीचे अभी भी ये इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये जो 3 मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर इंडेक्स ट्रेड होना चाहिए और ये तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में होना चाहिए। तो हम इसे अप ट्रेंड कहते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, रूल है, इसे माना जाता है कि अप ट्रेंड होगा तो ये तीनों मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर्स में होंगे और इसके ऊपर इंडेक्स ट्रेड करता होगा। सिमिलर पैटर्न निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में भी है। ये देखिए, ये यहाँ पर भी ये मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में और इसके आसपास ही ये इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो जब LTCG टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तब से स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ भाग रहा है, यानी 12,000 के ऊपर अभी एक हर्डल है, ये पार नहीं कर पा रहा है। वीकली चार्ट में 12,000 के ऊपर अभी भी निफ्टी इंडेक्स क्लोज नहीं हुआ है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में फ्लो है कि नहीं, ये यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल एक पॉज लिया हुआ है निफ्टी इंडेक्स में। आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फ्राइडे का एनालिसिस हमने किया था उसका एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 15 नवंबर आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,894 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,855। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही फ्राइडे को निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ। तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ये ओपन हुआ था। तो एज पर प्लान यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी फ्राइडे को। एग्जैक्ट जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था इसी के पास निफ्टी इंडेक्स ये क्लोज हुआ फ्राइडे को। तो यहाँ पर कोई फ्राइडे को एज पर प्लान कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। फ्राइडे को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नास्डैक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो हरे निशान में बंद हुए थे फ्राइडे को। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट तीनों भी तेजी में अभी इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है और SGX निफ्टी भी हल्की सी गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो SGX निफ्टी और डाउ फ्यूचर में इस समय थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। ये 12,000 का ये जो हर्डल है इसी के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और लास्ट 2 वीक्स यहाँ पर ये कंटिन्यूस डोजी कैंडलस्टिक का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, यानी इंडिसिसिव पैटर्न, ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने ड्रॉ किया था इसका ये जो 11,872 का लेवल है इसके ऊपर फिर से एक बार ये क्लोज हुआ है, नीचे जाने नहीं दे रहे बुल्स। तो यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट में देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। ऊपर 12,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे 11,800 का सपोर्ट है। डेली चार्ट में भी यहाँ पर अभी लास्ट 2 डेज से ये डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर थर्सडे को नीचे टेल छोड़ दिया था और फ्राइडे को यहाँ पर अभी ऊपर में इसने टेल छोड़ दिया है। तो क्लियरली इंडिसिसिव पैटर्न है। काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे इस मार्केट में ट्रेड करना। तो एज पर डेली चार्ट ऊपर 12,000 का एक हर्डल है, ज़बरदस्त हर्डल है, और अगर नीचे आता है तो 20 ये में फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि अराउंड अभी 11,776 के पास है। उसके नीचे 11,723 जो कि हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल था, वीकली चार्ट में हमने इसे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा। एक रेंज में अभी ट्रेडिंग हो रहा है, इसका अपर लेवल या फिर ये जो लोअर लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो हमें वन साइड डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये लास्ट हाफ एन आवर में फ्राइडे को एक ज़बरदस्त बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो इसका अगर ये लो अगर ब्रेक करता है, यानी 11,879 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,862, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन दिख रहा है, यहाँ पर ही इसने देखिए 2 दिन पहले एक सपोर्ट लेके छोटा सा बाउंस बैक दिखाया फिर से। तो 100 EMA हमारा सेकेंड टारगेट होगा, जो कि 11,832 के पास है। काफ़ी लंबा टारगेट होगा ये सेकेंड टारगेट। अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो ये जो पिवट पॉइंट है 11,916 इसको कम्फर्टेबली ब्रेक करने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 11,933, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पास्ट में रेजिस्टेंस फेस करके ये एक करेक्शन आया था, डाउनफॉल आया था, और फ्राइडे को भी यहाँ पर एक पॉज लिया था इसी लेवल के पास। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,933 और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, जो कि 11,952 है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।